सब उन्होंने पढ़ा था। आगे 1950 से 1957 तक हिंदी परामर्शदाता के रूप में आकाशवाणी में कार्यरत रहे। हिंदी के परामर्शदाता के तौर पर वो जो आकाशवाणी है उसमें वो कार्यरत थे 7 साल तक। उनकी कविता में छायावाद, गांधीवाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि ये सब कविता में देखने को मिलता है। वीणा पल्लव ग्रंथी, ग्राम्य अनुबंध, स्वर्ण भूमि इत्यादि उनकी मुख्य रचनाएं हैं। लोकायतन महाकाव्य पर सोवियत महेंद्र नेहरू पुरस्कार चिन्ह भरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। क्या कि भारतीय सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रस्तुत प्रतिमा में सौंदर्यपूर्ण सत्य की बात कही गई है। मानव का परित्राण करने तथा उसका भय संचय अंधश्रद्धा दूर करने के लिए कवि ने ईश्वर से शक्ति की याचना की है कि मानव का परित्राण यानी कि कल्याण करने के लिए कवि ने क्या किया, क्या क्या किया है कि ये जो सब भय संचय और अंधश्रद्धा है ये सब दूर करने के लिए कवि ने भगवान से क्या की है, प्रार्थना की है। चलो हम अब आगे में देखते हैं, प्रार्थना में देखते हैं। जब जब जीवन में जो चित्त महान कि ये जो जीवन है हमारा जो चित्त यानी कि लंबे समय का चित्त यानी कि लंबे समय का कि ये जो हमारा जीवन है इसमें जो लंबे समय तक क्या है महान है सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण जो सौंदर्य से परिपूर्ण है और सत्य प्राण ये सत्य प्राण है। मैं उसका प्रेमी बनना कि मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूँ कि भगवान मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूँ जो जब जीवन में लंबे समय तक महान है और जो सौंदर्य से परिपूर्ण है और सत्य प्राण है। जिसमें मानव हित हो समान यानी कि जिसके अंदर मानवता हित समाया हुआ है मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूँ हे भगवान। जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे वैसंचय अन्न भक्ति में वह प्रकाश बन सकूं ना के जिससे जीवन में शक्ति मिल सके और हमारा भय यानी कि डर संशय यानी कि शंका और अंध भक्ति यानी कि अंधश्रद्धा में वह प्रकाश बन सकूं ना कि वो सब है वो छूट जाए हमारा गायब हो जाएगी। अब हमारे में ये जो हमारा भय है बनना चाहता हूँ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति और ये जो हमारी पूरी दुनिया है वो सब इसमें मिल जाए सभी व्यक्ति इसमें आ जाए। बीस बीस में प्रेम प्रभा प्रसार की हे ये जो सुमित रंजन पंत जी है वो जो कहते हैं कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए मुझे इतना प्रकाश दीजिए कि मैं सभी दिशाओं में प्रेम का प्रकाश है वो जो क्या 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 कर सकूं कि प्रसार सकूं फैला सकूं प्रसारित कर सकूं हर भेदभाव का अंधकार यानी कि मैं सभी भेदभाव है अंधकार है उसे मैं क्या कर सकूं क्या क्या कर सकूं दूर कर सकूं उसमें भी प्रेम भर दूं। मैं खोल सकूं जिन मुझे जान और मैं जिन्होंने लंबे समय तक जीत यानी लंबा आपको बताइए कि जो जिन्होंने लंबे समय तक अपनी आंखें मूंदी हुई है यानी कि बंद की हुई है जिसमें क्या है पर्दा डला हुआ है उसे भी मैं खोलना चाहता हूँ। मानव के उनके स्वर्ग द्वार और मानव के हृदय पुर यानी कि हृदय के जो द्वार है स्वर्ग द्वार मानव के हृदय में जो स्वर्ग का द्वार है उसे मैं खोलना चाहता हूँ। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान की हे प्रभु मैं आपसे अमरदान यानी कि क्या कि मैं आपकी कृपा पाकर आपका आशीर्वाद पाकर करने मानव का परित्राण कि मैं क्या करना चाहता हूँ मानव का कल्याण करना चाहता हूँ। ना सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहार और मैं
पहनिए, ठीक है, बाय बाय।